हेलो फ्रेंड, टीवी के टॉप सीरियल अनुपमा में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे दर्शक शो से जुड़े रहते हैं और लगातार प्यार बरसाते रहते हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा की मां कहती है कि अनुज अब वापस नहीं आएगा तो उसका इंतज़ार मत कर और अनुज तेरे बिना जी सकता है लेकिन अपनी बेटी के बिना नहीं, इसलिए वह कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जिसके बाद अनुपमा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है, वो अब जीना ही नहीं चाहती है। जिसके बाद उसकी माँ उसको हॉस्पिटल ले जाकर दिखाती है कि देखो ये जीना चाहते हैं लेकिन ऐसे पड़े हैं और भगवान ने तुझे मौका दिया है और तू ऐसा कर रही है। वही फ्रेंड, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा टूट चुकी है। वो अपने आप से कहती है कि पहले घर टूटा था, दिल नहीं, भरोसा टूटा था, उम्मीद नहीं, लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। वो कहती है कि अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। अनुपमा कहती है कि मेरी गलतियों की वजह से सब कुछ हुआ है क्योंकि मुझसे कुछ नहीं संभाला गया। अनुपमा चीखने लगती है कि मैं मर जाऊंगी, अनुज के बिना नहीं जी पाऊंगी। कांता बहन अनुपमा को संभालने की कोशिश करती है। उधर अनुज से मिलने के लिए धीरज पहुंच जाता है। धीरज कहता है कि जो होना था हो गया लेकिन अब चीजों को ठीक करने का समय है, लेकिन अनुज कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। वही फ्रेंड, उधर शाह हाउस में पाखी और किंजल परेशान हैं क्योंकि वो वनराज और बरखा की नियत को भाप गए हैं। पाखी कहती है कि पापा ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, उन्हें अचानक से मम्मी की चिंता होने लगी है। ये सभी लोग नहीं चाहते हैं कि मम्मी और अनुज एक हो। किंजल भी पाखी का सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ कांता बहन खींचकर अनुपमा को अस्पताल ले जाती हैं, जहां वो लोगों की परेशानी के बारे में बताती हैं कि ये लोग जीना चाहते हैं लेकिन तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू जीना नहीं चाहती। वो अनुपमा को जिंदगी का महत्व सिखाती हैं और कहती हैं तुझे जीना है और आगे बढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जिसके बाद उगते सूरज के साथ अनुपमा नई शुरुआत करती है। अब अनुपमा डांस एकेडमी फिर से शुरू करेगी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।